आपको ये दोनों सवाल सेम लग रहे हैं ना दोस्त, लेकिन ये दोनों सवाल सेम नहीं है। पहले वाले का तो आंसर आपको पता है कि जब किसी संख्या को अनंत टर्म तक रुका जाता है तो इसका आंसर कितना हो जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर सीधा का तीन उठाकर यहाँ तीन लिख देंगे, बस बात खत्म। इससे ज्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी है, लेकिन दूसरे वाले में मेहनत है। और दूसरे वाले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हम बता देते हैं। तो दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा जो संख्या है वो तो लिखना ही लिखना है, और बस इसके पावर में कुछ लिखना होता है। और इसके पावर में क्या लिखना होता है, 2 का पावर n - 1 / 2 का पावर n, ये मेरे भाई इसके पावर में लिखना होता है। तो हम यहाँ तीन लिखेंगे। अब बात आती है ये n की, कि n की वैल्यू कितनी होगी। तो जितने आपके टर्म्स होंगे उतना ही n का वैल्यू होगा। कितना टर्म है, 1, 2, 3 और 4, तो यहां n की वैल्यू 4 होगी। तो 2 का पावर 4 - 1 / 2 का पावर 4, ठीक है, तो 3 लिखा। तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 का पावर 4 16, 16 - 1, और 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। तो बोलेंगे सर 3 का पावर 16 में से गया, तो 15/16 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, बस इसका आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में।